मैं जानता हूं कि छपरौली विधानसभा में ना स्कूल है ना अस्पताल है, कुछ नहीं है। आप बताइए कि जो आरएलडी से जीता था वो बीजेपी में चला गया नहीं गया, जो बीजेपी का प्रत्याशी है नहीं है? किस बुनियाद पर आप वोट का मुतालबा कर रहे हैं मुझसे? क्या गारंटी है वो कि दोबारा बीजेपी में ना चला जाए? कई बात सच नहीं है कि जिसको बीजेपी से टिकट नहीं दिया वो आरएलडी में आ गया? और आप क्या करेंगे? आप गरीबी छाएंगे कि जिंदगी में सिर्फ हराना आपका मकसद है? मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद जीतना है। यकीनन हम हराएंगे अपने इत्तेहाद से, यकीनन हम हराएंगे अपनी हिस्सेदारी से, यकीनन हम फिरका परस्ती को बीजेपी संघ परिवार को हराएंगे भाग्यदारी से। मगर हम अगर सिर्फ हराएंगे के नाम पर वोट देंगे तो आपको और मुझे क्या हासिल हो रहा है? मेरे मुकद्दर में नाइंसाफी लिखे जाएगी, याद रखिए। भीख मांगने से इंसाफ नहीं मिलता, उठकर खड़े होकर कमजोरों का साथ देकर बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इंसाफ भी होगा, इज्जत भी मिलेगी, हमारी तमाम घरों के सामने जो खतरे हैं वो खतरे कम होंगे, नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि CAA के एहतजाज में आरा गांव में मुफ्ती अब्बास को कैसे टारगेट किया गया था, किसने आवाज उठाई? जब कोविड का पहला वेव चल रहा था तो तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, किसने आवाज उठाई? एक वीडियो दिखाओ मुझे जिसमें अखिलेश, जिसमें आरएलडी, जिसमें बसपा का कोई नेता तबलीगी जमात की ताईद में कह रहा था। अगर कोई कह रहा था तो ये दीवाना कह रहा था कि तबलीगी जमात इखलास की बुनियाद पर काम करती है। झूठा इल्जाम उन पर लगाया गया हर जगह पर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट्स के जरिए पूरे मुकदमात खत्म हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप 10 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए, इत्तेहाद पैदा करिए। आपके सामने बर्बादी की दास्तान, कौन सी बर्बादी की दास्तान मैं तुम्हारे सामने बयान करूं? कितने अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को 5 एकड़ जमीने 1.70%, सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? दलित समाज से भी ज्यादा अगर बेरोजगार है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है तो किसके हैं? अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के हैं। सबसे कम ग्रेजुएट 3% है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के। सबसे कम पीजी होल्डर्स 1% उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान है। बताइए किसने ये हाल कर दिया आपका और हमारा? और आप सिर्फ घर के खतरे को, ये तमाम खतरात हैं, याद रखो इन खतरात को अगर हटाने का है तो आपको शायद लीडर बनना पड़ेगा, नेता बनना पड़ेगा। ये तमाम सियासी पार्टियां नहीं चाहती, ये चाहती हैं कि आप सिर्फ दरी बिछाएं, आप सिर्फ जिंदाबाद के नारे इनके लिए लगाएं। आप अब भीख मांगे टिकट के लिए, अरे तुम टिकट के लिए भीख मांग रहे हो? आओ मजलिस में तुम टिकट बांटोगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 10 फरवरी के दिन मुत्तहिदा अपने वोट के जरिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए।